मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 297वें पृष्ठ पर हम आए हैं। एक शब्द के कितने सारे अर्थ हो सकते हैं और प्रकरण संगत हमको क्या अर्थ समझना चाहिए, उसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। व्याकरण संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ऐसा टोडरमल जी साहब ने जगह जगह लिखा है। कल समय शब्द के अनेक अनेक अर्थ हमने यहाँ से देखे थे, 8 बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। 9वां पॉइंट आप लिखेंगे, धर्म। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ये तो जीव को उत्तम सुख में धारण करते हैं, इसलिए इनको धर्म कहते हैं। जो धारण करे सो धर्म। तो कहते हैं लेकिन जो धर्म द्रव्य आदि को धर्म कहा है, वहां पर वह अर्थ शब्दार्थ नहीं लेना, वह शब्द रौढ़िक है ऐसा समझना। देखो, जो धारण करे सो धर्म। अभी इस न्याय से यदि हम विचार करेंगे तो 6 द्रव्य है ना, वे सभी धर्मी हैं और अनंत धर्मों से युक्त वे द्रव्य है, तो धर्म ही द्रव्य धर्मी क्यों होगा? 6 द्रव्य हो जाएंगे फिर तो। लेकिन यहां पर रौढ़िक नाम लेना है। और एक हद बोल सकते हो आप इसी प्रसंग में, 2 धर्म तो यहां पर टोडरमल जी ने बोले, एक तो धर्म नामक जीव की निर्मल पर्याय, यो धरति उत्तमे सुखे, ठीक है ना? क्या कहा? धर्म कर्म निवरणम, क्या लिखा? देशयामी समीचीनम धर्म कर्म निवरणम। आगे संसारी दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। धर्म की परिभाषा जो धारण करता है, जीव को सुख में धारण करता है। ये दूसरा धर्म क्या बताया रौढ़िक अर्थ वाला? धर्म द्रव्य, वो भी धारण करता है वैसे तो अनंत धर्मों को, लेकिन इस न्याय से तो 5वां द्रव्य है ना बच्चे वाले, तो धर्म इसी को क्यों? तो रौढ़िक अर्थ है। तो और कोई है क्या ऐसा रौढ़िक अर्थ? धम्मा, धम्मा नामक जो पहली पृथ्वी है वहां पर भी ये बोले है, वे रौढ़िक नाम है। धम्मा, वंशा, ख्याल में है? और मूल नाम तो जहां पर शब्दार्थ बने वो तो वहां पर रत्न प्रभा बोला है, और वहां पर आप गुण भी देख सकते हो, रत्न समान प्रभा है वहां पर प्रथम पृथ्वी में, ठीक है? और दूसरी तीसरी पृथ्वी आदि है वो यथा नाम तथा गुण है, लेकिन रौढ़िक नाम देखेंगे तो उसका कोई भाव समझ में नहीं आता वैसे, क्योंकि जैसे धम्मा है धारण करे सो, धारण तो सभी पृथ्वी कर रही है नारकियों को, तो ये एक धम्मा और बढ़ सकता है यहाँ पर, ठीक है? और कोई आपको ख्याल में हो तो बताओ, आगे बढ़ू। 10वां पॉइंट, जैसे नो कषाय शब्द है, तो नो कषाय का अर्थ क्या लेना? नो किंचित अभाव, उसको नो कषाय कहते हैं। तो सर्वथा वो नहीं लेना उसको कहते हैं, लेकिन जितनी पावरफुल कषाय होती है उतनी पावरफुल नो कषाय नहीं होती है, इसलिए उसको गौण करके ऐसा बोला। अकलंग स्वामी ने राजवार्तिक में एक उदाहरण दिया बहुत अच्छा, अनुदरा कन्या। वे पूछते हैं अनुदरा कन्या का अर्थ क्या है? क्या है अनुदरा कन्या का अर्थ?
बोलो आप सब संस्कृत भाषी हो, बोलो। अनुदरा कन्या, अन उदरा कन्या, बिना पेट की कन्या। कह रहे ऐसा अर्थ नहीं करना इसका। अनुदरा कन्या मतलब जिसका पेट बहुत छोटा है, ठीक है, उसको सुंदरता का निरूपण करना होगा उनको। तो वो कह रहे जिनका पेट बहुत ही छोटा है, छोटे को क्या कह रहे वे, अनुदरा। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं, नौकाशय के लिए उदाहरण दे। नौकाशय मतलब ईषत कषाय, ईषत कषाय मतलब कषाय है ही नहीं, ऐसा नहीं। नौकाशय को ही मैंने आपको कहा था, नौकाशय को ही बोलो, और एक शब्द है अकषाय, है कहां पर आया है, कहां पर आया है, तत्वार सूत्र। अकषाय शब्द आया है, अकषाय वेदनीय, याद आ रहा है आपको, कौन सा अध्याय होगा ये, छठवां अध्याय। अकषाय, नौकषाय शब्द नहीं डाला उन्होंने, अकषाय। अ मतलब नहीं, ऐसा नहीं, किंचित। नौकषाय, नौ मतलब नहीं, ऐसा नहीं, किंचित। ईषत ऐसे ही लगा लेना, नौ इंद्रिय में, नौ कर्म में, जहां जहां नौ आता है वहां वहां लगा लेना। अप्रत्याख्यानावरण में अ शब्द का अर्थ नहीं ऐसा नहीं लिया, अ शब्द का अर्थ किंचित ऐसा लिया था। अप्रत्याख्यानावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, अप्रत्याख्यानावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, बोलो, पीछे पीछे बोलो ना, हाँ बोलो। अप्रत्याख्यानावरण का शाब्दिक अर्थ नहीं पता, बोलो चिन्मय, खड़े रहो, बोलो भाई सक्षम। अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या है सत्यम, अप्रत्याख्यानावरण। अरे किंचित भी त्याग नहीं होने देता, ये उसका अर्थ है। प्रत्याख्यान और आवरण, ज्ञानावरण क्या करता है, ज्ञान नहीं होने देता, और प्रत्याख्यानावरण क्या करेगा, त्याग नहीं होने देगा, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण क्या करेगा, किंचित भी त्याग नहीं होने देगा, और प्रत्याख्यानावरण क्या करेगा, संपूर्ण त्याग नहीं होने देगा। तो अ का अर्थ क्या लिया वहां पर, किंचित। अ मतलब नहीं, ऐसा नहीं, क्या कहा, बैठिए, मैं तो एक टोडर मुझे साहब ने एक अर्थ बताया है, मैं तो और भी कहा कहा प्रकरण आ रहे वो बता रहा हूं। नौ इंद्रिय का ही और एक नाम है, बोलो दीपेश, अनिंद्रिय। अन मतलब नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी की जो पांच इंद्रिय रूपी है वैसी ये होगी, ऐसा नहीं। ये छठवीं इंद्रिय है, सिक्स्थ सेंस, वे रूपी तो है, लेकिन जैसे ये दृष्टिगोचर होती है वैसे वो दृष्टिगोचर होती होगी, ऐसा नहीं, हमें दृष्टिगोचर नहीं होगी, ठीक है। उसी को कहा अनिंद्रिय। अकर्म, नो कर्म किसको कहा, अरे जिस प्रकार पांच शरीर है ना, कौन कौन से, औदरिक वैकरिक आहारक तेजस कारमान, इन पांच शरीर में से मात्र पांचवें शरीर को कहा कर्म, और प्रथम चार शरीर को कहा है नो कर्म। वे कह रहे जो चार शरीर है ना, ये पहले नो कर्म इसलिए कहा, वो किंचित सुख दुख में कारणभूत है, क्योंकि मूल सुख दुख में कारणभूत तो कर्म है। यदि कर्म ही नहीं है वैसा, तो शरीर भी हमको सुख दुख में कारणभूत नहीं होता। समझ में आ गया क्या कहा, यदि मोह है तो जो भी प्राप्त पर्याय है उसमें सुख दुख होता है, और यदि मोह ही नहीं है, मूल कारण ही नहीं है कर्म, कर्म मतलब भी यहां पर मुख्यता से तो मोह लेना, मोहनीय कर्म के निमित्त से ये सुख दुख भाषित होते हैं ना शरीर हमको, और सीधा शरीर सुख दुख भाषित नहीं होता बिना कर्म के, इसलिए इनको कहा नो कर्म, दूरवर्ती, कारण के कारण, निमित्त के निमित्त है ये, ठीक है। मैंने क्या कहा समझ में आ रहा है आपको,
क्या नाम है आपका? प्रांजल। समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? उपादान कारण कौन है दुख का? हमारा मोह भाव। निमित्त कारण कौन है? मोहनीय कर्म, ठीक है। और निमित्त में निमित्त कौन है? ये बाहर शरीर आदि, पर प्रथम चार शरीर। नो कर्म कोई, मैंने क्या कहा? अकर्म। नो कषाय कोई क्या कह रहा हो? अकषाय। नो इंद्रियो कोई क्या कह रहा हो? अनिंद्रिय। एक प्रदेशी कोई क्या कह रहा हूं मैं? अप्रदेशी, अपदेशी। वहां पर अप्रदेशी कहा, वहां पर एक प्रदेशी मतलब एक प्रदेशी नहीं लेना कालाणु को, अप्रदेशी नहीं लेना, अप्रदेशी का अर्थ वहां पर एक प्रदेशी लेना। अ को नहीं कहने की पद्धति है। मैंने पहले भी आपको ग्रामर के माध्यम से समझाया था, आपको याद होगा तो। क्या उदाहरण दिया था मैंने? गिव मी अ लिटिल मिल्क, और गिव मी लिटिल मिल्क मतलब मुझे दूध नहीं देना, व्याकरण है ये इंग्लिश का। आप अ आर्टिकल हटा दो ना तो थोड़ा अर्थ नहीं होता उसका, फिर वह कुछ नहीं ऐसा अर्थ होता। हमको तो ये जब छठवीं सातवीं में थे तब पढ़ाया जाता था ये। अ फ्यू, गिव मी अ फ्यू पेंस, मुझे थोड़े पेंस देना, और गिव मी फ्यू पेंस तो वहां पर मुझे पेन नहीं देना, ऐसा उसका अर्थ है। मैंने क्यों कहा? जैसा यहां पर है ना हिंदी में, इंग्लिश में भी ऐसा ही है। नो किंचित को अ नहीं ऐसा बोलते हैं, लेकिन वहां पर नहीं ऐसा नहीं समझना, अंग्रेजी में तो ऐसा ही समझना। आयुष आप समझ रहे हैं मेरी बात को? दीपेश आप समझ रहे हैं ना कि कठिन पड़ रहा है? अरहंत ठीक है, कौन सा पॉइंट हुआ? दसवीं में भी दसवां हुआ। ग्यारहवा एक पॉइंट इसी पैराग्राफ में बनना है वैसे। सम्यक दृष्टि को राग आदि का अभाव कहा, तो सर्वथा नहीं समझ लेना, किसी दायरे में हम बात कर रहे हैं ऐसे समझना, किसी मर्यादा को लेकर बात कर रहे हैं। क्या मर्यादा है आपकी? अनंतानुबंधी राग नहीं होता, इस अपेक्षा से उसको वीत रागी कहा। मैंने कहा था पहले भी आपको, मुनिराज को भी रागी द्वेषी कहा जा सकता है और चतुर्थ गुणस्थान को भी वीत रागी कहा जा सकता है। क्या कहा मैंने, समझ में आता है आपको? दूसरे गुणस्थान को भी सम्यक्ति कहा जा सकता है। क्या कहा? दूसरे गुणस्थान को सम्यक्ति कहा जा सकता है क्या? सहसाधन सम्यक्त नाम नहीं है क्या? क्या तकलीफ है? अरे क्योंकि पूर्व निगम नहीं से वो सम्यक दृष्टि है। एक देश जिन कह सकते हैं कि नहीं दूसरे गुणस्थान को? एक देश जिन, एक देश जिन क्यों कहा? क्योंकि भव्य जीव है, वहां से उतर कर आया है और अल्प ही काल में फिर से ऊपर चढ़ेगा। अल्पकाल अर्धपुद्गल परावर्तन का भी हो सकेगा, इसलिए मैंने कहा था चौदहवें गुणस्थान को भी अशुद्ध कह सकते हैं। अशुद्ध निश्चय का विषय चौदह गुणस्थान में बन सकता है, बनता है, बनता है क्या? सत्यम असिद्धत्व भाव, ठीक है। प्रतिजीवी गुणों का अशुद्ध परिणमन चल रहा है उनमें, और चौथे गुणस्थान को भी, पहले गुणस्थान को भी शुद्ध कह सकते हैं कि नहीं? द्रव्यार्थिक नय से तो कहते ही है, और पर्यार्थिक नय से कह सकते हैं कि नहीं? आपने पढ़ा कि नहीं? अभी क्या मालूम मुझे, कर्मोपाधि निरपेक्ष ने पढ़ा कि नहीं? अच्छा, यू मिस्ड अ वेरी नाइस थिंग। नए चक्र में एक कर्मोपाधि निरपेक्ष ने डाला है उन्होंने, वो क्या कहते हैं नहीं मालूम? पर्यार्थिक नय से सदा काल सभी शुद्ध ही है, द्रव्यार्थिक नय से तो सभी शुद्ध ही है, और पर्यार्थिक नय से भी कर्मोपाधि निरपेक्ष रूप से उसको देखा जाए तो शुद्धता ही है। जैसे जैसे उसका प्रवर्तमान जितना ज्ञान है अभी, उसको कुमति कुसुरत मत देखो, जानना जानना देखो, कर्मोपाधि निरपेक्ष देख लिया। उस चरित्र में भी राग द्वेष अथवा वितरागता ये नहीं देखना, वो बस लीनता 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 ये निरंतर चल रही ना, चरित्र सामान्य कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? जैसे दर्शन ज्ञान सामान्य होता है ना, बारह भेद न विचार कर मात्र वहां पर दर्शन ज्ञान विचारा जाता है। ये समझ रहे हो आप अक्षय?
अमृतचंद्र स्वामी अपना परिचय देने की क्या पद्धति है, किसी को पता है? अमृतचंद्र स्वामी जी अपना परिचय देने की पद्धति है उनकी, एक तो ऐसे लिखते मैं स्वरूप गुप्त हूं, और एक एक तो यह पद्धति है प्रारंभ ही प्रवचन सार का, बिल्कुल प्रारंभ पहली लाइन, यह दर्शन ज्ञान सामान्य मय, क्या स्वयं का परिचय, दर्शन ज्ञान सामान्य मय। तो दर्शन ज्ञान सामान्य कहकर क्या कहना चाहते हैं? दर्शन ज्ञान विशेष नहीं लेना, वे बारह भेद नहीं लेना, मति श्रुत अवधि मन परे केवल कुमति कुश्रुत को अवधि और चक्षु चक्षु अवधि केवल दर्शन, वे भी नहीं लेना, दर्शन ज्ञान सामान्य। तो सामान्य कहकर क्या कहना चाहते हैं? सामान्य कहकर फिर अनंत गुणों का भूप, अनंत गुणों का राजा, ये समझ में आया? लेकिन दर्शन ज्ञान कहकर वो लक्षण को मुख्य किया जा रहा है वहां पर। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, अरे चौदह गुणस्थान को अशुद्ध कहो, पहले गुणस्थान को शुद्ध कहो, ये सब विवक्षा भेद है। पहले गुणस्थान को द्रव्यार्थिक नहीं से कह सकते हैं, और कर्मोपाधि निरपेक्ष नहीं से पर्याय में भी शुद्ध ही है वो, अस्तित्व वस्तुत्व गुणों की तरफ से देखो तो भी वो शुद्ध ही है, उनका शुद्ध ही परिणाम चलता है ना कि नहीं चलता? अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व प्रमेयत्व का निरंतर शुद्ध ही परिणाम चलता है, उसका कभी भी अशुद्ध परिणाम नहीं चलता, ठीक है? लेकिन जिसकी अशुद्धता मोक्ष मार्ग में बाधक है, श्रद्धा ज्ञान चरित्र, उसकी तरफ से प्राय कथन चलता है। इसलिए आपने एक कथन अभी अभी नए चक्र में पढ़ा होगा, वहां पर एक प्रश्न खड़ा किया था, क्या एक देश अशुद्ध निश्चय नहीं हो सकता है? मैंने तो लिया ही था, जब मैंने लिया था एक देश अशुद्ध नहीं, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, पता है हमको छठवां नहीं, एक देश अशुद्ध नहीं हो सकता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पर मोक्ष मार्ग का प्रयोजन होने से एक देश शुद्धता के हुई ऊर्ध्व किया जाता है, दूज का चंद्रमा विकसित होते होते पूर्णमासिका तक हो जाता है, यही दिखाना है हमको, अशुद्धता को गौण करना है, कर्मधारा की तरफ से देखेंगे तो अशुद्धता दिखने लग जाएगी, समझ में आता है? यहां पर समय सार की टोन में बोला कि जहां जहां ऐसा बोला जाएगा कि ज्ञानी को बंध नहीं होता, वहां पर समझना ज्ञानी को उन 41 प्रकृतियों की तरफ से कथन है, और आप लोग भी सब समझना, यदि कोई ये कहता हो कि दूसरे गुण स्थान में बंद नहीं होता तब भी मानना चाहिए, हाँ ठीक है बंद नहीं होता, क्यों? मिथ्या तो जनित बंद नहीं होता वहां पर, क्या तकलीफ है आपको? समझ में आ गए क्या कहा? सम्यक दृष्टि को आप निर्बंध कहते हैं, हम पहले दूसरे गुण स्थान को निर्बंध कह रहे हैं, अरे हद कर दी गुरुदेव ने, क्यों साहब क्या हद कर दी? उन्होंने तो एक कलेश ना नव तत्व गत्यपि ये देख कर तुम न मुंचती, अभी बुद्धि देखो, जिसके कारण हम गुरुदेव को उनके उपकार को कभी नहीं भुला सकते। मैं एक आपको सैंपल दिखा रहा हूं, आपको उनकी बुद्धि ताकत उनकी, वे एक अर्थ करने लग गए उसका, नव तत्व गत्यपि ये देख कर तुम न मुंचती, नव तत्व को प्राप्त होता हुआ एक तत्व को नहीं छोड़ता। तो पांडे राजमल जी का कलश टीका के प्रवचन चल रहे थे उनके गुरुदेव के, ये हर प्रवचन में नहीं मिलेगा आपको, मैंने बोला अब भी, मैंने कहा आपको हर जगह नहीं मिलेगा ये बात, प्रवचन हुए होंगे 19 बार में नहीं है ये कहीं प्रवचन में, ये औदयिक भाव होता है सबका अपना अपना, एक ही विषय का निरूपण करने लग जाए, कभी किस प्रकार निरूपण हो, कभी किसी प्रकार निरूपण हो, नहीं समझ में? अरे अमृतचंद्र को ही देखो ना, अहम एक को खलु शुद्ध, शुद्ध का क्या अर्थ करेंगे, कोई भरोसा थोड़ी है उनका, अरे समर ओम गंधम क्या अर्थ करेंगे, कोई भरोसा थोड़ी है? समय सार में देखोगे आप, प्रवचन सार में देखोगे, नियम सार में, और कहीं कहीं तो एकदम चुप कुछ नहीं बोलेंगे, और कहीं कहीं तो भर भर के इतनी बड़ी टीका कर देंगे, लोग पलट पलट के देखने लग जाए कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, और 42 बोल खड़े कर दिए समय सार में, और प्रवचन सार में एक अलिंग ग्रहण के 20 बोल कर दिए अक्षय, वो तो औदयिक भाव है ना सबका न्यारा न्यारा, और कहीं कहीं औदयिक भाव एकदम फ्लैट हो जाए तो बस कुछ भी नहीं लिख कर ऊपर का जैसा आया है वैसे ही बस नोट करके चलो आगे, कोई सरल है, समझ में आता है क्या कहा? मैं क्यों कह रहा था वैसे ये, हाँ गुरुदेव ने नव तत्व गतत्व पिए देख कर तुम न मुंचती, एक बार गुरुदेव ने क्या किया था प्रवचन में, मात्र कलशों का प्रवचन किया उन्होंने, एक बार ऐसा किया था उन्होंने, ओनली कलश 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 चलाए थे। तो जब यह कलश चला ना, नव तत्व गतत्व पिए देख कर तुम न मुंचती, तो वहां पर अर्थ ये किया, नव तत्व मिथ्या दृष्टियों में कैसे घटित होंगे दीपेश,
तो उन्होंने कहा ये घटित नहीं होते तो ये लागू कैसे होगी ये बात, फिर लागू होनी चाहिए ना ये बात मिथ्या दृष्टियों में भी। तो कह रहे उनमें भी संवर निर्जर मोक्ष घटित होगा। संवर निर्जरा तो अपन समझते ही है, हाँ साहब वो पता है पता है पता है, वो होती है ना एक सब विपक्ष निर्जरा, उसकी बात कर रहे हैं ना आप। फिर संवर भी और मोक्ष भी, तो गुरुदेव ये कहते थे कि मिथ्या दृष्टि को कैसे घटित होगा, ये कह रहे थे कहते थे कि जैसे वर्तमान पर्याय है उनकी कोई उसकी, तो देवायु में अभी जी रहा है, बुद्धिमान उसकी देवायु है, तो कह रहे उसको जो बद्धमान होगी जो बांधेगा वो देवायु और नरकायु तो नहीं बांधेगा कम से कम, ठीक है। तो कह रहे उसका संवर है उसको अभी वर्तमान में आयुष्य, और मोक्ष अभव्य है तो तीन काल में भी उसको बंधन नहीं होना है तीर्थंकर प्रकृति का, तो मोक्ष है उसको सर्वथा कर्म का निरोध। तो सातों तत्व घटित करके दिखाते थे वे, तो फिर कहते थे ऐसा मिथ्या दृष्टि में भी तो घटित होगा, तभी तो कह रहे नव तत्व गतित्व भी यदि एकत्वम न मुंचति, नव तत्वों को प्राप्त होता हुआ एकत्व को नहीं छोड़ता। संवर मतलब तात्कालिक निरोध, और मोक्ष मतलब त्रैकालिक निरोध, आज तक भी नहीं बंधा और भूत भविष्य में भी कभी नहीं बंधेगा। तीर्थंकर प्रकृति है बोलो, अहरग द्विक प्रकृति है बोलो, देवायु में वो वह गति है, कौन सी गति, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर वाली, वो गति कभी नहीं बनती उनको। ऐ समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा उदित? तो अर्थ करने में कितनी स्वतंत्रता हो गई, तो सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता तो इसका अर्थ इतना ही है, अनंत अनुबंधी की तरफ से कथन है। सम्यक दृष्टि को कर्ता नहीं कहते सो ये कोई अन्याय नहीं है, साहब ये करते हुए भी इनको बोल रहे ये कुछ नहीं कर रहे, और ये नहीं कर रहे फिर भी, और इनको तो बोल रहे है, ये नहीं करते हुए इनको बोल रहे कुछ नहीं कर रहे, अथवा ऐसा लो ना ये कर रहे हैं और इनको बोल रहे तुम तो कर रहे हो, और ये भी कर रहे हैं कर तो ये भी रहे, लेकिन इनको बोल रहे ये कुछ नहीं कर रहा था उस समय, ये कुछ नहीं कर रहा था, कैसा अन्याय है ये। तो कह रहे हम क्रियाओं की तरफ से बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे जहां जो नहीं करता उसको नहीं करता कह रहे हम क्या, और रही इस क्रिया की बात, हमने इसको भी क्रिया का कर्ता कहां बोला है, वो तो इसको भी नहीं बोल रहे, इसको कहां से बोलेंगे, वो तो हम इसको कर्ता बोल रहे है, तो क्रियाओं की बात नहीं है वो तो कह रहे भावों की बात है, इसका मन मर चुका है। समझ में आ गया, एक भजन है ना कोई, पंछी मन मर जाता, नहीं पता आपको, पक्षी मन मर जाता, मन रूपी पक्षी इनका मर गया है, चंचलता खत्म हो गई है इनकी, ठीक है, करने का भाव नहीं है इनका, इसलिए इनको कर्ता कहा। अनंत अनुबंधी और मिथ्या तो जनित राग द्वेष है ही नहीं तो कर्ता कहां से बोले, ऐसा थोड़ी कि कर रहा है और नहीं बोल रहे, ये परिणमित इसे करता और वितराग भाव से परिणमित हुए है, वितराग भाव मतलब कितना, वह अंचिक, उसका कर्ता हम बोल रहे उसको, और बोलना ही है कर्ता तो कैसा बोलेंगे, वो वितराग भाव का कर्ता बोलेंगे फिर ज्ञानी को। ए समझ में आ रहा है क्या कहा, और ऐसी बात नहीं है कि वह प्रत्यक्ष और जनित राग द्वेष का कर्ता नहीं है, है बिल्कुल है, लेकिन सामने वाले को ये क्यों बोलने से क्या लाभ होगा, उसको तो वह कर्ता दिखाकर हमको उसको भी ऊपर उठाना है, वे भी करता है फिर तुम भी करते रहो, फिर ऐसे थोड़ी बताना है। चलो मैं आगे, ये दो इस पैराग्राफ में ये दो बातें कही, अभी तीसरा पैराग्राफ और रोचक है, आप लोग सो रहे हो, प्रकरण बहुत अच्छा है, यू विल मिस दिस थिंग एंड नो वन इज गोइंग टू कोरिलेट दिस थिंग्स विद द इंग्लिश ग्रामर, अभी देखो मैं कैसे कोरिलेट करके दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर आगे ये बोल रहे हैं, अपने 34वीं गाथा तो सबने पढ़ी है, 34वीं गाथा के बाद एक कलश आया था, कौन सा कलश आया था, धोबी वाला आया था कुछ, कलश तो नहीं है खैर धोबी का, फिर अभी कभी मैं लूंगा उसको अच्छे से। वहां पर यह बात आई थी जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि ओझल ना हो जाए यावत तावत, तब तक तुम भेद विज्ञान चालू करो, ये नीचे कलश विद्या है, अवतरतिन यावत वृत्ति मत्यंत वेगा नव मन पर भाव त्याग दृष्टांत दृष्टि झटिति सकल भावैरन्य दियेर विमुक्ता स्वयमियम अनुभूतिस्तावदाविर्भूव।
कहते हैं जब तक ये दृष्टांत की दृष्टि वो जन्म होते तब तक तुम भेद विज्ञान करो। तो कह रहे यहां पर दृष्टांत की दृष्टि ओझल हुई नहीं और यहां पर अनुभव को प्राप्त हुआ। ग्रामर मैं आपको पूछूंगा आज और आप उत्तर देंगे, आज तक विचार नहीं किया होगा लेकिन आपको क्लिक आज हो जाएगा। क्या कह रहा हूं यहां पर मैं, वे क्या कह रहे हैं, ये व्याकरण नहीं समझते बोल रहे, ये हुआ नहीं, हम काम करने बैठे नहीं और तुमने आवाज देना चालू कर दिया। तो भैया काम करने नहीं बैठे तभी तो आवाज दे रहा हूं। अरे बुद्धू बुद्धू राम ऐसा नहीं बोल रहे हम ये बोल रहे हम काम करने बैठे और इतनी देर तो तुमने आवाज नहीं लगाई, अभी तुम हमको आवाज देने लग गए। क्या नाम है, लॉर्ड्स ऑफ लास्ट बेंच, आदर्श। आदर्श को सबके सामने बैठना चाहिए, यू शुड बी आइडियल टू ऑल, यू शुड नॉट बी आइडल। अब यहां पर क्यों नहीं बैठते इस तरफ, कहीं सक्षम मना करता है कि भिंड वाला है इसलिए डरते हो क्या, खत्म हो गया अभी गुंडा राज, सब डाकू गुंडे खत्म हो गए अभी भिंड के, खत्म खत्म वैसे नहीं हुए, बहुत है अभी भी। चलो क्या कहा मैंने, संकल्प, क्या कहा, संकल्प थोड़ा शिथिल रहता है सुबह सुबह, बैटरी उसकी बिल्कुल चार्ज नहीं रहती है संकल्प की, सुबह सुबह अपने अपने दुनिया में रहता है वैसे। क्या कहा मैंने, हाँ यावत तावत चल रहे ना, यावत मतलब जब तक, तावत मतलब तब तक। कह रहे ये हुआ नहीं, ये दृष्टांत हमने देना दिया नहीं और वहां पर अनुभव कर लो फटाफट। दृष्टांत सुनकर जितना आनंद आया ना, अभी मैं वहां का पहले विषय बता दूं एक बार, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा लगा ना तुमको, बस डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, तुम तुरंत गो अहेड, तुम कर सकते हो आत्मानुभव। और तुम बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर चलो चलो अभी बहुत काम है बहुत काम है, बाहर निकले एकदम काम खत्म, अवसर खत्म, यू हैव मिस द अपॉर्चुनिटी, यू हैव नो राइट टू से वी हैव गेन्ड, कुछ नहीं, कोई गेन नहीं हुआ, समझ में आया। तो दृष्टांत बहुत अच्छा लगे ना, उसी दृष्टांत के जोर में फटाफट तुम अपना उपयोग आत्मसन्मुख कर लो, ऐसा नहीं अभी प्रवचन कर कई सारा तो खोल रहा है इसमें मत उलझो तुम, सम्यक, समझ में आ रहा है, सत्यम नहीं पकड़ में आ रहे, देखो कई सारा तो खोला इन्होंने, एकदम शुद्धात्मा की तरफ ले गए ये, और तुरंत चलो अभी आगे की गाथा देखते हैं। अभी तुम नहीं फंदे में पड़ो प्रवचनकार के, उनका तो धंधा ही है ये, कितने जन पकड़ पा रहे बात को, प्रवचनकार का तो धंधा ही है, क्या धंधा है, तो नेक्स्ट 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 करता चलेगा, तुम उनकी बातों में नहीं आना, तुमको जब भी तुम्हारा भाव एकदम चंगा बनने लग जाए ना, तुम छोड़ना सभी बातों को, तुम वहीं पर आत्मानुभव कर लेना बैठ के। विद्वानों की तो परवशता है ना, विद्वानों की तो पराधीनता है, दे आर बाउंड टू गो क्रम से चलने का, उनका तो बाइंडिंग है, वे बीच में बैठकर अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन तुमको किसने रोका है। तो अनुभव हमने जो अभी उदाहरण दिया धोबी का, तुम्हें समझ में आया, और बिल्कुल समझ में आया, मेरे फटाफट कर लो अभी अनुभव, और बहुत काल निकल जाएगा ना उदाहरण सुन के, फिर वो ढीला पड़ेगा, फिर अनुभव नहीं होगा तुमको। बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा लगा ना, आंखें कर लो बंद, सुनना बंद करो, नहीं और सुनाओ ना, और सुनाओ ना, फिर क्या क्या अच्छा लगा तुम्हें, समझ में आया। क्या बोल रहे यहां पर, जब तो ये हुआ नहीं, हम काम करने बैठे नहीं और तुमने चिल्लाना चालू किया, ठीक है, बोलो इंग्लिश ग्रामर जल्दी। तो टोडरमल जी साहब कह रहे ऐसा अर्थ नहीं समझना, ये काम हुआ नहीं और ये इन्होंने आवाज देना चालू किया, वहां पर ये समझना काम चालू किया और फिर ये उन्होंने आवाज देना चालू किया, ये समझ रहे व्याकरण तुम, इंग्लिश में है ऐसा कोई ग्रामर, नो सुनर ही केम, नो सुनर ध्यान का होता है, बोलेगा कोई एक सेंटेंस, नो सुनर ध्यान को उसको कैसे करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे ग्रामर में, फिर नो सुनर ही स्टार्टेड वर्किंग समवन कॉल्ड हिम, देन समवन कॉल्ड हिम, नो सुनर ध्यान तो उसका कैसे करेंगे नीचे। ये आपका इंग्लिश बहुत वीक है, एकदम ढीला है आप लोगों का,
एकदम ढीला, और मेरा इतना ढीला इंग्लिश है, और आपके सामने भी मेरे सामने तो आप टिक ही नहीं पाओगे, कभी नहीं टिक पाओगे। मैंने 20 साल हो गए छोड़ के, आप कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, और जबकि मेरा वैसे नहीं है स्ट्रॉन्गर इंग्लिश। इसका मतलब आपको नहीं रहेंगे यहाँ पर प्रॉपर कोई गाइडेंस, आप स्वयं का अध्ययन करना चाहिए इन सब बातों का। अनितेश, मैंने अभी मंगाई है, देखते हैं क्या होता है। कोई भी दिल्ली जाएगा, शहर जाएगा, मुझे मिलके जाना, मैं कुछ बुक्स बताऊंगा। अब लाओ, इंग्लिश ग्रामर भी लाओ, साहित्य भी पढ़ना चाहिए, ये भी पढ़ना चाहिए, सब समझ में आता है। अब ये ग्रामर मुझे उदाहरण इंग्लिश में समझाना है आपको, और मैंने इसलिए कहा तो नो विन विल, ये कोई नहीं करके दिखाएगा, मैंने कहीं से सुना नहीं है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ये नो सुनर को, दैन को वो एसनेस में डाल देते हैं, फिर अपन नहीं डालते हैं क्या? एसनेस ही स्टार्टेड वर्किंग, ही स्टार्टेड कॉलिंग हिम, समवन स्टार्टेड कॉलिंग हिम, ऐसा नहीं होता है क्या? एसनेस में नहीं डाल देते हैं? अरे डालते कि नहीं नो सुनर दैन को? तो यही वाली है वो बात, अभी आपको समझ में आ रही। ये चलो अभी छोड़ो, चलो ये बात अपनी हो गई है। ये कितने बिंदु हो गए मुझे बताओ? नहीं, मेरे इसमें 12 बता रहा है, 10 और 11 अपन ऊपर के पैराग्राफ में डाले हैं ना, 12 हो गए ना। अब बना रहे हो बराबर आयुष, उसको लिखो इंग्लिश के नंबर लिखा कि नहीं वहां पर? तो कब लिखोगे? नो सुनर देन का जो प्रयोग होता है वो वाला ग्रामर है ये, उसको एस एन एस कहने की पद्धति है वो वाला है ये। चलो अभी बहुत आप ऐसे मेहनत कर सकते हो, व्याकरण में जहां जहां इंग्लिश आता है जैसा यहां पर लगा सकते हो आप ऐसे, ठीक है? देखिए अभी आगे क्या कह रहे हैं, इसका भी लोक में हम घटित करके दिखाएंगे। 13 298 पेज खोलिए। ये कह रहे हैं यहां पर कि कहीं कहीं संख्या कुछ आती है, प्रांजल तो आज बहुत ही सो रहा है, वो तो सोता ही रहता है, लेकिन आज तो बहुत ही सो रहा है, ज्यादा ही। अभी ये कह रहे हैं ये कहीं कहीं संख्या बोली जाती है, वह पर संख्या में नहीं पकड़ना। सुनो सुनो सुनो, मैं सब आपको 2-3 दिन में पैसे दे दूंगा। 2-3 दिन में मतलब कब? 2-3 पकड़ लिया गला, इसका मतलब यू कांट गेट रीड नाउ, यू विल हैव टू गिव द डेफिनेट डेट, ठीक है? आ जाऊंगा मैं 12:15 मतलब कितने बजे आओगे? 12:15 12:15 पर आओगे ना साहब आप? मेरी सेकंड की घड़ी है, आपकी कांटे वाली घड़ी है अभी। हाँ तो फिर रुको साहब, मैं फिर सोच कर बताता हूँ। हाँ सोचना बताना। तो कह रहे लोक में ऐसा होता है, हमने कहा थोड़ा तुम एक काम करना, 5-6 बच्चे आ जाना, तो लोग थोड़ा मजाक भी कर लेते, 5 और 6 बोले ना, 11 आए ना हम, लोक में थोड़ा मजाक कर देते हैं। लेकिन उन्होंने 5-6 बोला है, 5-6 बोला है, 7 कैसे आ रहे? अरे भैया फिर 5-6 भी क्यों बोलते, फिर वो 6 ही बोलते ना, या 5 ही बोलते हैं, फिर अप्रोक्सीमेटली की बात है ना। लोक में भी ऐसा होता है, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगा वहां पर, 5-6 दिन मतलब 4 दिन में भी आ सकता हूं, 7 दिन में भी आ सकता हूं, राउंड अबाउट की बात है। तो कह रहे हैं ग्रंथों में भी ऐसे लिखा मिलता है, 2-3 ज्ञानी होंगे, लेकिन 2-3 ही नहीं समझना, हाँ तो फिर 3-4 समझे ना। अरे 3-4 नहीं, कम होंगे, इतना हमको कहना है। इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में देखो, ये बहुत अपने को समझने लायक बात है। लोग कह रहे बहुत तत्व प्रचार हो रहा है, और ज्ञानारणों में ऐसे लिख दिया। देखो मूल शब्द देखो ज्ञानारणों के, देखो ये छंद देखिए नीचे फुटनोट में 24वां, वहां पर अंतिम शब्द देखो द्वित्रा यदि, मिल रहा है सबको? ये मुक्ते है वदनेन्दु वीक्षण परास्ते संति द्वित्रा यदि, 2-3 2-3 देखो, तथा जैसे कहीं कुछ प्रमाण आदि कहे हो वह वही नहीं मान लेना, परंतु प्रयोजन हो वह जानना। ज्ञानार्ण में ऐसा कहा, इस काल में 2-3 सत्पुरुष है,
तो नियम से इतने ही नहीं है परंतु यह थोड़े है ऐसा प्रयोजन जानना, इसी प्रकार अन्यत्र जानना। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझ रहे? दो तीन मतलब ये भी भ्रम नहीं रखना, क्या फिर तीन तो होंगे ना? दो तीन इसलिए बोले, वो एक भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिर संख्या में उसको बांधा जाए, फिर से वही गलती करें हम। टोडरमल जी साहब, हम जहां से निकालना चाहते हैं तुम संख्या में मत बांधो, हम तो ये कह रहे कम होंगे बस। लोक में हम कहते ना, चलो 100 रुपये हो तो देना। मैं कभी कहता हूं बाहर जाते समय, जरा 100 रुपये हो तो देना, कभी प्रसंग नहीं आता तो कहते रखो जी 1000 रुपये रखो साथ में। नहीं 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 इतना कह के, अरे रखो तो होगा कि नहीं होगा? कोई मुझे कहेगा अभी गांव जाएंगे जाते समय कहेंगे 1000 2000 हमको लग सकते खर्चे में, और मैं 2000 दू तो कैसे देखेंगे मेरी मेरी तरफ? महाकंजूस है, 1000 2000 का तो उन्होंने इतने ही पकड़ा दिया हमको। अरे फिर तुमने उतने ही कहे, अरे कहने की बात नहीं है, तुम एक दो कहते तुम 5 रख देते, समझ गए लोग की बात आई यहां पर, ठीक है। आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और एक पॉइंट लिखेंगे अभी। आगे का जो पॉइंट होगा ना, ये आगामी आने वाले दो पैराग्राफ है, अब 14वां पॉइंट बना देंगे इसको 14वां, और ये हेडिंग ये लिखेंगे आप कि ये आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, वैसे इफ नॉट 14th तो आप अलग सा भी इसके 5 पॉइंट्स बना सकते हैं, क्योंकि ये शब्द व्याकरण, वैसे व्याकरण की दृष्टि जो हमारी चल रही थी वो खत्म हुई है। देखो इन्होंने लिखा भी इस रीति सहित और भी अनेक शब्द, आप तो उसको एक काम करो, मैंने तो यहाँ पर एक आड़ी लाइन खींची है, अपना ये टेबल बनाओ, अभी ये 5 का टेबल बनेगा लगभग, देखे अभी वहां पर। पहली अपेक्षा में ये है कि जिसको जो उपदेश हो वही ग्रहण करना, जैसे उदाहरण के रूप में अब टेबल बाद में बनाना सोचना, मैं आपको बताऊं तभी तो आपको ख्याल में आएगा कैसे चार्ट बनेगा। पहले दो पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में तो उदाहरण दिया कि रे जिस प्रकार कोई औषधशाला है उसमें बहुत सारी दवाइयां रखी है, तो सब सारे सारी दवाइयां तुम्हारे लिए थोड़ी है, तुमको जो जो कार्यकारी है वो तुम ले लेना, समझ में आ गया? तो तुम अन्य दवाओं को देखकर निषेध नहीं करना। तुम्हें शीत बीमारी हो तो तुम गर्म दवा ले लेना, और तुम गर्मी हो तो शीत दवा ले लेना तुमको। तुम्हें यदि शीत हो और शीत दवाई लेवे तो और तो रोग बढ़ेगा। उदाहरण समझ में आया सबको? औषधशाला में तो सभी प्रकार की दवाइयां होती ही है, तुम्हें गर्मी थी तो तुम्हें शीत लेनी चाहिए थी दवा, और यदि तुम गर्मी ही दवा लोगे तो गर्मी और बढ़ेगी, रोग और बढ़ेगा। उदाहरण समझ में आया? सिद्धांत सिद्धांत ये कह रहे हैं किसी को व्यवहार का जहर चढ़ गया है तो उसको निश्चय पोषक उपदेश देना चाहिए, और किसी को यदि निश्चय का जहर चढ़ा हो तो उसको व्यवहार का डोज देना दिया जाना चाहिए, और यदि विपरीत हुआ, निश्चय निश्चय ही का उसको पागलपन छाया है और निश्चय का उपदेश देंगे तो ये तो भ्रष्टा, तो भ्रष्टा, पहले भी भ्रष्ट था अब भी भ्रष्ट होगा, और यदि व्यवहार की क्रिया उसको हावी हो गई थी, क्रिया कारण कोई उसने गले लगाए रखा था और फिर आपने यहां पर पानी छानने की रोजाने विधि बताने लग गए तो उसकी छाती उसी से फूल फूल कर कुप्पा हो जाएगी, तो उसको डाउन धड़ाम से उसको गिरा दो, उसको समझने दो हम अभी मोक्ष मार्ग में खड़े नहीं है, समझ में? इसलिए गुरुदेव के पास भी जितने आते थे क्रियाओं के अहंकार में डोलते हुए सबको धड़ाम गिरा देते थे, क्या जड़ क्रिया में धर्म मानना जिन मत में विख्यात होता है। एक सेकंड में डाउन कर दो उसको, बहुत सारी दान राशि लाया, उनको लगा था अभी ये कुछ हमारी शाबाशी करेंगे, तो क्या कहते थे? धूल है सेठ बद्दी धूल, खत्म हो गया उसका प्रोग्राम, डाउन हो गया एक सेकंड में, पानी पानी, ये समझ गए आप? और जो ये कहने लग गए हो सब इसमें क्या रखा है दानवान में, तो फिर उसको दान की कई महिमा बताएंगे। जिस घर में दान नहीं दिया जाता हो वो शमशान समान है, और दान भोग और वियोग यही संपत्ति के जाने का साधन है, तो यदि तुम वियोग होगा मर जाओगे तब तो निकल ही जाएगा, भोग में जाओगे तो दुर्गति में जाओगे, तीसरा एक ही उपाय है तुम्हारे पास, दान करो।
पर धन क्या है, बहुत धन बुरा हो कहिए क्या, और जो पर के उपकार में लगे उसको उपचार से भला कहिए। कहां पर पढ़ा यह हमने सब? उत्तम त्याग में पढ़ा क्या कि उत्तम अकिंचन में पढ़ा? नहीं, फटाफट कौन पढ़ेगा वो लाइन खड़ा करके, जाओ जल्दी पीछे दौड़ दे, उठो ना भैया वो उत्तम दश लक्षण की पूजन उठाओ और वो मुझे लाइन दिखाओ, यहां पर सबके सामने आकर पढ़ो। दश लक्षण पूजन क्या पेज है? तो मुझे क्या बोल रहे, खोलो तुम, मैं तो इनको पूछ रहा हूं, तो तुम्हें बोले तो तुम खोलने लग जाओ। उत्तम अकिंचन के अंतिम दो लाइन पढ़ो, त्याग में पढ़ो, नहीं है त्याग में भी, तुम यहां लाओ ये भैया यहां लाओ। अथवा ये भी ले लो, देखो देखो उत्तमा किंचन में, बहु धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपगार सो। अब इसकी ट्यून क्या, घर माहिती सिना जो घटावे रुचि नहीं संसार सो, बहु धन बुरा हु भला कहिए लीन पर उपगार सो। यहां पर भी ऐसे बोल दिया, धन तो बुरा ही है साहब, उसमें क्या शक, लेकिन यदि वो पुण्य दान पुण्य में लगा रहे हो तो उसको उपचार से भला कह देते हैं, तुम्हारा तो उपचार से भी भला नहीं है, समझ में आया? एक बात अभी आगे, निज हाथ दीजे साथ लीजे खाय खोया बह गया, एक लाइन तो ये हो गई। अब स्वयं का भोग करोगे तो उसका क्या आउटपुट होगा, तो दे दो ना दूसरों को, तो दान की भी करेंगे, तो जहां पर जिसको रोग हुआ है उसको वैसा उपदेश दिया जाएगा, समझ में आ गए? जिसको जो जहर चढ़ा है कोई जरूरी नहीं, इनको निश्चय का उपदेश दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत दफे कहता हूं, अरे सर लिखना है किसी की और हमने उपदेश दिया उसको, भाई तुम छोड़ दो ये दवा, अभी अभक्ष दवा छोड़ दो आदि, क्या अरे ये पंडित जी तुम कहां लेके बैठे इनको, क्यों क्यों क्यों? मैं एक जगह गया था, वहां पर मैंने ऐसे बोला अरहंत, तो फिर वो ब्रह्मचारी बहन थी, ब्रह्मचारी बहन को क्या उपदेश दिया जाना चाहिए, वो अभक्ष दवाओं में जीवन भर भी प्रवृत्त नहीं हो रही थी और उसके जीवन का अंतिम काल था। मैंने कहा तुम छोड़ो इसके चक्कर में कहां उलझने लग गए, तुम जीवन भर इतनी साधना की है तुम कहां? तो मुझे एक जन बोले पंडित जी तुम उसको शुद्धात्मा दिखाओ, अब छोड़ो इन दवा फावा को। मैंने कहा ये तुमको किसने बताया कि संबोधन जो दिया जाता है वो द्रव्य नियोग का ही होता है, संबोधन चरण नियोग का नहीं हो सकता? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, ये चार रूपों में अपन इसको डाल सकते हैं, चारों अनुयोग में कैसे डाल सकते हैं? अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो इन ये जो अभक्ष सामग्री है उसी में तन्मय रहा, लेकिन इस परे की तो थोड़ी काल की स्थिति है और मुझे यहाँ पर सभी भक्ष सामग्री सहज में उपलब्ध हो चुकी है, मुझे इसी में प्रवृत्ति करना चाहिए, ये चरण अनुयोग का भेद विज्ञान होगा, हुआ कि नहीं? हर जगह चारों अनुयोग का भेद विज्ञान करता हूं मैं, देखो कर्ण अनुयोग का भेद विज्ञान क्या होगा, द्रव्यनियोग का भेद विज्ञान क्या है, स्व पर हो गया भेद विज्ञान, कर्णनियोग का क्या होगा, ये पुण्य परिणाम ये पाप परिणाम ये शुद्ध परिणाम, ये उनका भेद विज्ञान। ये कर्ण अभी प्रथम अनुयोग का भेद विज्ञान मैंने कराया था क्या आपको? ये नहीं, ये मैंने एड्स को चार अनुयोग लिया उसमें करके दिखाया ये मैंने। फिर प्रथम अनुयोग का क्या है भेद विज्ञान, कि ये जीव आचरणीय है और वे जीव आचरणीय नहीं है, कौन से जीव आचरणीय नहीं है, धनश्री सत्य घोषव च तापसी रक्षका वपी उपाखेया यथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम, चलो आउट। और आचरणीय कौन है, तावत अंगे चौर तावत अंजन चौरांगे ततो अनंत मति स्मृता, अथवा वो कौन है, वो पाचन व्रत में कौन प्रसिद्ध हो गए पहले आइंजर, मातंगो धन देवश्च वारिशेनस्ततः परा नीली जयश्च संप्राप्ता, यह आचरणीय या भेद विज्ञान हो गया ना, ये चरण अनुयोग का भेद विज्ञान होता है, चरण अनुयोग में नहीं होता क्या भेद विज्ञान, क्या भेद विज्ञान मात्र इसी में होता है क्या तुम्हारे द्रव्य नियोग में?
तो मरते समय आत्मा ही बताना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो जहां पर खड़ा हो उसको ऐसा उपदेश दिया जाना चाहिए, समझ में आए। यदि आत्मा आत्मा कहने से उसका रोग पुष्ट होता हो, कौन सा रोग, अभक्ष भक्षण आदि का, तो उसको फटकारना ही चाहिए थे, उसका इलाज होना चाहिए ना वहां से। जिसको जो बीमारी है उसको वही रोग क्यों, जिससे रोग बढ़ेगा ऐसी दवा तुम क्यों दे रहे हो उसको। ये दोनों बात तुम्हें यहां पर बताया गया है। ये हो गया प्रकरण। वैसे एक बात बताओ, दो तीन मिनट लगेंगे लेकिन उसको, तो आपको हो तो बताओ, नहीं तो कल भी हो सकता है, बताओ। ठीक है, सुनिए सुनिए सब। एक हरिश्चंद्र नामक एक कवि हुए हैं, क्या बोल रही है, उठ गए क्या, ये सो रहा था अभी अभी। एक कवि हुआ है हरिश्चंद्र नाम का, क्या बोल रहे फिर से, 1884 में पैदा हुआ था। ठीक है, तो तुम वहां के हो, सासनी वाले हो क्या? हाँ, तभी बोल रही है धड़ाधड़। तो फिर इसने एक नाटक लिखा, राजा हरिश्चंद्र पर एक नाटक लिखा इसने, नाम हरिश्चंद्र उन कवि का, साहित्यिक का, और लिखा नाटक हरिश्चंद्र पर ही। नाटक हुआ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ, खूब भीड़ खूब भीड़। वो बाहर जाकर खड़ा हुआ कवि, उसने सोचा हम पब्लिक से इंटरेक्शन तो करें, इंटरेक्शन मतलब कोई आपस में समझे तो कि कैसा आपको नाटक में क्या लगा क्या नहीं। जैसे प्रवचन के मैं बात बोलूं, शशांक कैसा रहा प्रवचन, कोई कमी कुछ ख्याल में आती है, कुछ आवाज में चढ़ उतर करनी है, कुछ स्पीड में कम ज्यादा करना है, कुछ करना है कुछ, बोलो मत कोई। तो फिर हरिश्चंद्र ने भी सोचा कि हम नाटक का क्या परफॉर्मेंस है वो देखे सबसे। तो पूरी भीड़ थी, आज भी होता है ना ऐसा मुंबई में, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में सभी फिल्म स्टार्स और डायरेक्टर्स वहां पर आकर बैठते हैं, इसलिए भी बहुत भीड़ रहती है, वो तो टिकट ही नहीं मिलते क्योंकि वे उनको देखने को भी आधी पब्लिक आती रहती है और वे स्वयं पीछे बैठकर पूरी फिल्म देखते हैं, तो वे भी रिएक्शन समझते हैं पब्लिक की उससे। तो वो बाहर आकर खड़ा हुआ, तो उन्होंने एक मारवाड़ी सेट बाहर निकल रहा था, तो उनको पूछा आपको कैसा लगा ये नाटक हरिश्चंद्र का। नाटक का नाम था सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्या? तो वो सेठ ने ये बोला, सत्य बोलवामा काई माल नथी, क्या बोला, मतलब सत्य बोलने में कोई माल नहीं है। अब माल की भाषा बोलेगा सेठ, सत्य बोलवामा काई माल नथी, यदि भंगी के हाथ बिकना हो, यदि चांडाल के हाथ बिकना हो, यदि नंगे रस्ते पर आना हो तो फिर अवश्य सत्य बोलना चाहिए। यदि अपनी पत्नी बीवी बच्चों को गिरवी रखना हो तब तो सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलवामा कोई काई माल नथी, सत्य बोलने में कोई दम नहीं है। ये उंगली टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, ये आज हमने सब देख लिया सत्य बोलने से कैसी दुर्दशा होती है, कभी नहीं बोलेंगे आगे। तो माथा ठोक लिया हरिश्चंद्र ने उन्हीं के सामने, कौन हरिश्चंद्र, ये कवि ने, उसने कहा हे राम, वो नीचे ही बैठ गया, बोला मैं जन्म ने मैं भी नहीं सोचा था कि लोग ऐसा भी अर्थ इसका निकालेंगे, वो तो ये बताना था कि कैसी दुर्दशा होने के कीमत पर भी, मैंने पढ़ के दिखाया था ना आपको स्वप्न का सत्य, मैंने स्वप्न का थोड़ा सा लेख पढ़ के दिखाया था, उसमें बताई थी हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही देख लिया था कि मैंने किसी को राज्य दिया है, उसको देख वो इतना सत्यवादी बन गया कि उसने वाकई में वो दूसरे दिन राज्य दे दिया, और पहले ही उसको स्वप्न में आया था जो सबसे पहले कुछ याचना करने आएगा उसको सब कुछ बहाल कर दूंगा, उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, इतनी खराब नौबत आ गई उस पर। फिर वो क्या करने लग गया मालूम आपको, मैं कह रहा हूं ना अभी, भंगी चांडाल वो जहां पर शमशान होता है ना वहां पर उसको काम लग गया। आखिर वो इतनी दुर्दशा हुई उसकी, बीवी बच्चों का तो वियोग ही हो गया, एक पैसे के लिए मोहताज हो गया, लेकिन फिर भी शमशान में ही रहता था वो, लेकिन सत्य कभी नहीं छोड़ा उसने,
मैं जो भी मुझे ख्याल में आए मैं तो करूंगा वैसा, झूठ कभी नहीं करूंगा। तो उनको तो बताना था सत्य बोलने में कैसी अडिगता चाहिए, कितनी भी प्रतिकूलता है तब भी बने रहना। और इन्होंने क्या लिया, देखो सत्य बोलने वालों की कैसी दुर्दशा होती है, समझ में आ गया। तो कह रहे ये तो और रोग पुष्ट करके जा रही है ये सेठ, पगड़ी छाप, पहले इतना नंबर दो का धंधा करता है और अभी तो और ये पक्का होने लग गया उसको, देखो ऐसी दुर्दशा होती, नहीं करना, अपने तो खूब कमाओ अभी, ठीक है। ये हम कहां तक आए हैं, इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहण करने से बुरा ही होता है, ये हमने पहला पॉइंट देखा। दूसरा पॉइंट देखेंगे कल। ओम नमः।